हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट जू। मैं नंदिनी सोलंकी आज आप लोगों से पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हो रही हूँ। पहली बार से मेरा मतलब है कि मैं पहली बार आपको या आप मुझे पहली बार लाइव देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक मैंने अपना आर्ट वर्क ही आप लोगों को बताया है, अभी तक मैंने अपने आप को आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मैं नंदिनी सोलंकी हूँ और आर्ट जोन मेरा ही पेज है। तो आज आप लोगों से पहली बार इंटरेक्ट हो रही हूँ, मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं पहली बार आपको, अपने आप को आप लोगों से। सो आज मैं अपना कुछ आर्ट वर्क आप लोगों को दिखाऊंगी, जिसकी मेरी क्लासेस चल रही हैं और अभी भी जो क्लासेस चल रही हैं और जो फिनिश हो चुकी हैं, वो सब क्लासेस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वर्क कैसा लगा, ठीक है। और जो सेल भी हो चुका है मेरा सामान, वो भी बताऊंगी आप लोगों को मैं। तो हम लोग पहले रशियन पेस्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसकी मेरी क्लास अभी चल रही है। तो देखिए, ये मेरा रशियन पेस्ट का काम है, ठीक है। ये इसकी जो ये गोलाई है, ये 6 to 8 inch की है। 6 to 8 inch का ये सर्कल बना हुआ है, उस पर ये फ्लावर हैं, ये बनाए हैं मैंने। और इसका जो पेस्ट है, ये भी मैंने घर पर ही तैयार किया है। हाय रितु जी, थैंक यू। रितु जी, मेरी आवाज़ सही से आ रही है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये मेरा फर्स्ट पीस है, जिसकी 6 days में क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए ऐसा बनकर आया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हर एक 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 रेशा बिल्कुल फाइन है। ये देखिए, ये फर्स्ट है, ओके। ये एक सर्कल है, देखो ऐसे राउंड है ये। इसमें आप पीछे की तरफ से नोक बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगाकर आप इसको हैंगिंग कीजिए और फ्रेम भी करवा सकते हैं। फ्रेम के लिए हमने एट साइड, देखिए इधर मार्जिन छोड़ी है, तो ये मार्जिन पर आप फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये चीज़ में मैं आप लोगों को क्लास में सबको बताती हूँ, अपने जो स्टूडेंट हैं उनको सबको बताती हूँ, ठीक है। एक ये वाला पीस है, अभी ये बन चुका है, और एक ये वाला पीस है जो अभी रनिंग में बन रहा है, ठीक है। एक ये वाला बंच है, ये फ्लावर का है ना, जो फ्लावर के गुच्छे होते हैं ना, उस टाइप का ये वाला। एक ये वाला बंच है, ये ओवल में है। मैं 3 ओवल और 3 सर्कल सिखाऊंगी, ठीक है, रशियन पेस्ट में। तो अभी इसमें काम बाकी है। हेलो हेलो विजी जी, ओके रितु जी, थैंक यू। तो ये हम कहाँ थे, हाँ, ये मेरा सेकेंड वाला पीस है, जिस जो ओवल में है। इसकी जो ये वाली है, ये वाला जो है, ये 8 inch और 10 inch का है। हेलो नेहा जी, कैसे हो आप लोग सभी, थैंक यू आप लोग आए। तो ये वाला पीस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी काम बाकी है, अभी हमें यहाँ पर सभी जगह फ्लावर लगाना बाकी। पूरा एक इसको थोड़ा सा हम उठाएंगे, जैसे ये वाला पीस उठाए ना, देखिए आप लोग, आपको दिखेगा 3D, ठीक है। ये इस टाइप से हम इसको पूरा उठाएंगे, हर एक रेशा दिखेगा आपको, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा। हेलो शिवानी जी, तो इस टाइप के अभी ये 2 बंचे हैं, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने केवल डिज़ाइन नेट से निकाला है, ठीक है। बाकी जो बनाने की टेक्निक है और जो पीस बनना है, वो पीस मैं अपने से बनाती हूँ। जैसे देखिए, ये वाला पीस मैंने केवल बताया था कि इस टाइप से बंच बनकर तैयार होगा, ठीक है। पर जो उसका अरेंजमेंट है, वो अपने से किया है मैंने, ठीक है। देखिए कहाँ पर है, इसमें केवल एक फ्लावर, 2 फ्लावर है और एक थोड़ा सा हाफ फ्लावर खुला है। बट इसमें मैंने एक ओपन फ्लावर, एक हाफ फ्लावर और एक कली जो आधी खिली होती है वो, और एक कली बनाई है, ठीक है, ऐसा 4 का। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाती है कि आपको ओपन फ्लावर बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, हाफ फ्लावर बनाना है जो एक साइड से, ये जो बैक साइड से हमारी पत्ती जो इस टाइप से ये खुली हुई है ना, ये बैक साइड में है, ठीक है। तो ये हाफ फ्लावर खुला है एक साइड से, ओके। और ये जो
हमारी कली होती है जो आधी खुली होती है, ये उसका बेस बताया है मैंने वो उस टाइप से, और ये जो कली होती है हमारी, ठीक है, ये वो बताई है। हाय टीना जी, तो इस टाइप से। हाय मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी ये मेरी हैंडमेड पेस्ट तैयार करके बनाती हूँ मैं, ये वाला, ठीक है ठीक है। तो ये मैं अपना हैंडमेड बनाती हूँ, इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है वो अपने जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं उन्हें पूरी लिस्ट दे देती हूँ और बनाती हूँ। ये स्कल्पचर आर्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे एक ये वाला लिली का है, ठीक है, एक ये वाला फ्लावर है, और ये रोज़ तो आप देख ही चुके हैं, एक ये ओपन लिली है, ठीक है, ये एक ओपन लिली है, और एक ये इस टाइप का फ्लावर बनेगा, ओके, और उसमें एक बर्ड होगी, ठीक है। ये इस टाइप से एक आपको बर्ड भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से 6 पूरे बंच तैयार होंगे, बंच इन द सेंस कि ये वाला, जैसे ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है हमारा, ठीक है, ये दूसरा पीस है, ऐसे 4 पीस अभी और बनने हैं, और एक बर्ड बनाना बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रशियन की बात, कि अभी जो मैंने आपको दिखाया, जैसे एक ये वाला है, ठीक है, ये वाला पीस, तो इसका एक पीस बनना बाकी है, ठीक है। अभी मेरी क्लासेस चल रही है, अभी जो सेकेंड वाला पीस बताया मैंने आपको, ये भी अभी अभी अधूरा है, अभी बना नहीं है वो पूरा, ठीक है। कौन सा? ये वाला अभी अधूरा है, इसमें काम अभी बाकी है। इसमें अभी हमें छोटी छोटी सी लीफ, और बहुत छोटी छोटी, क्योंकि ये फ्लावर छोटे हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी हमें अभी यहाँ पे बर्ड्स बनानी बाकी है, ओके। और अब नेक्स्ट पे आती हूँ, एक मेरी ये वाली क्लास भी चल रही है, ये देखिए, ये लेडी है, ओके, ये वाली पिक है, ठीक है, ये वाली पिक, बट इसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है ना, इसमें एक देखिए, ये डक और ये पिकॉक है ना, ये पिकॉक नहीं है इस पिक्चर में, और बाकी जो डिज़ाइन है वो भी बहुत चेंज है, केवल मैंने इससे लेडी ली है, इससे उठाई है, और उसमें भी बहुत कुछ चेंज किया है। तो मेरा जो ये पीस बनकर तैयार होगा वो थोड़ा डिफरेंट ही होगा ये वाले पीस से, जो मैंने नेट से निकाला है, ठीक है, ये वाले से मैंने निकाला है, इससे डिफरेंट ही होगा, बट ये रिलीफ में है, और इसकी क्लासेस भी चल रही है, अभी हमारे यहाँ तक काम हुआ है इस क्लास में, आगे और होना बाकी है, ठीक है। और मैं आपको आगे बताती हूँ, जो मेरी लक्ष्मी जी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरा लक्ष्मी जी का पीस है, ठीक है, ये देखिए, ये मेरी लक्ष्मी जी हैं, जो कि मैंने रिलीफ में बनाई है ना, जो कि मैंने रिलीफ में बनाई है, इसको आप देख सकते हैं, पूरा डिटेलिंग, बिल्कुल एक एक चीज डिटेलिंग से की हुई है, फेस भी मैंने ही बनाया है, ओके। ये 18x24 में बना हुआ है पीस, ठीक है, 18x24 का पीस है ये, और ये वाला पीस तंजोर में बना हुआ है, बट मैंने इसको रिलीफ में बनाया है। मैं तंजोर वाली पिक भी आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट मिनट, ये देखिए, ये वाली पिक है, ठीक है, ये तंजोर में बनी हुई है, ओके, ये टोटल तंजोर में है, बट मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग, इसको मैंने रिलीफ में तैयार किया है। ये देखिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप, हाय हाय हंसा जी, ये देखिए, ठीक है। तो
तो ये रिलीफ का काम है। और इसकी फ्रेमिंग के लिए देखिए, ये मैंने मार्जिन छोड़ी है, इस पे आप फ्रेमिंग कर सकते हैं और इस चीज़ को ओपन रख सकते हैं, टोटली ओपन रख सकते हैं, ठीक है। फ्रेमिंग वाला भी एक पीस दिखाऊंगी मैं आपको, ओके। तो ये लक्ष्मी जी की क्लास अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। उसके बाद भी आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है बनाते बनाते, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद में सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग इजीली तरीके से बना पाओगे, ठीक है। और अभी एक राधा कृष्ण की क्लास मेरी चल रही, वो भी फिनिश हो चुकी है, राधा कृष्ण की क्लास भी मेरी फिनिश हो चुकी है। ये देखिए, इसकी कलरिंग लेकर भी मैं लाइव आई थी, ठीक है। ये मेरी राधा कृष्ण की क्लास है, ये अभी अभी कंप्लीट हुई है, तो ये थोड़ी सी गीली है कहीं कहीं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मार्जिन छोड़ी है, इसमें आप बाद में हम ब्लैक कलर की चीज़ जो हमें लगता है हम अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको फ्रेमिंग करा लीजिए। इसका एक पीस जिसको मैं लेकर लाइव आई थी कि हाँ ये पीस मेरे ऑनलाइन के लिए स्टार्ट है, ओपन है, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वो पीस मेरा सेल हो चुका है, बट वो अभी मेरे पास है, मैंने पैकिंग करके तैयार रखा हुआ है, वो अभी आएंगे तो ले जाएंगे, ठीक है, वो सेल हो चुका है। तो ये देखिए, ये वाला पीस राधा कृष्ण है, ये भी रिलीफ में है। इनका काम भी देखिए, जो फेस है ये भी मैंने ही बनाया है, लास्ट से शुरू से लास्ट तक का काम मैं ही करती हूँ, मैं और कोई नहीं है, ओके। ये देखिए, एक ये है मेरे राधा कृष्ण, ये देखिए, ये पैक हो चुके हैं, एक्चुअली आज ही ये चले जाएंगे इसलिए इनकी पैकिंग कर ली मैंने। तो ये देखिए, अगर शायद आप लोगों को दिखे ये, तो ये इस टाइप से ये मोटी फ्रेम होती है, 1 से 1.5 इंच की ये फ्रेम, इसके आसपास आप इजीली लगवा सकते हैं, और बिल्कुल ये छूने लायक है, आप इसको छू सकते हैं, यहाँ पे ना कांच है ना कुछ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ना डस्ट लगेगी ना कुछ लगेगी। और इसका ऑप्शन भी बताती हूँ, अगर डस्ट लगती है बाय चांस कि अगर डस्ट लग जाती है, क्योंकि डस्ट तो होती है, ठीक है, डस्ट लग जाती है तो उसको कैसे साफ करना है, आपको इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है पेंटिंग को, ये सब चीज़ें मैं अपने क्लास में बताती हूँ, ठीक है। तो ये दो पीस हैं, और एक पीस मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लाइव आई थी मैं, ठीक है। ये हाय नीना जी, और एक ये देखिए, शायद आप लोगों को दिखे, इसको मैंने डार्क किया था। हाय जयंती जी, वेलकम टू आर्ट जोन, आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट जोन पर। ये देखिए, ये श्रीनाथ जी हैं, ये क्ले में बनेंगे, ठीक है। ये पूरा पिक दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, ये देखिए, ये भी क्ले में बनेंगे, ये 3D क्ले में बनेंगे, ठीक है। हाय कुंदा जी, थैंक यू रितु जी, ये क्ले में बनने वाले हैं, ठीक है, ये 3D क्ले में बनेगा, और उसके बाद भी इसकी कलरिंग जो होगी वो बिल्कुल शेडिंग में होगी और शाइनिंग में होगी, ठीक है। शाइनिंग में इसकी शेडिंग करूँगी, ऑयल कलर में नहीं करूँगी, वो कलर होंगी अगर ज़रूर ऑयल कलर, पर उसकी जो कलरिंग होगी वो शेडिंग में होगी, और इसमें जरकन लगेगा। तो ये काम बिल्कुल आप कह सकते हैं, बस इसमें गोल्ड नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है, और ये 3D होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 3D है ना, ये तंजोर रहेगा ना ये रिलीफ होगा, ये 3D में जरकन भी लगेगा, इसमें कलरिंग भी होगी और सब कुछ होगा इसमें, जब ये पीस निकल कर आएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। आप लोग ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये पीस भी 18x24 का पीस है, ये देखिए, ठीक है, ये 18x24 का पीस है। आप मुझे फीस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेंजर कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं लिख देती हूँ, 9770019802, ये मेरा नंबर है, आर्ट जोन नाम से जो नंबर आया है ये मेरा नंबर है, तो आप लोग इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरी जो जो भी आपको क्लास ज्वाइन करनी है उसकी डिटेलिंग मैं आपको फुल डिटेलिंग दे दूंगी। और जो ये स्कल्पचर पेस्ट की क्लास है फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लास है, इसका जो पेस्ट है ये मार्केट से खरीदा हुआ पेस्ट नहीं है, ये मैंने हैंडमेड घर पर बनाया है, बस आपको जो मटेरियल लगेगा ये मटेरियल आपको खरीदना है, इसके अंदर जो मटेरियल लगेगा वो,
हेलो मंदिरा जी, हाय टीना जी, इसकी ना फीस, जिस भी की फीस चाहिए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैम इस आर्ट की हमें फीस बताइए, तो मैं आपको उसका फीस बता दूंगी, या फिर आप मुझे लिख के दे दीजिए कि मैम रशियन पेस्टर की क्लास की फीस बताइए, या फिर श्रीनाथ जी फेस की फीस बताइए, या फिर वो लेडी की फीस बताइए रिलीफ वाली, ठीक है, लक्ष्मी जी की, राधा कृष्ण की, जिनकी भी आपको जाननी है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9770019802, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, ओके, बट आप जो भी करें, व्हाट्सअप करें, मैसेंजर करें, बट अपना नाम जरूर, अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ठीक है, अपना नाम और आप कहाँ से हो ये जरूर मेंशन कर दीजिए, ओके, तो थोड़ा सा क्या फ्रॉड का जो होता है ना वो चीज़ नहीं होगी, ना मेरे साथ ना आप लोगों के साथ, ठीक है, तो आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, ठीक है, और अभी एक पीस और मेरा बन रहा है जो अभी तक मैंने कभी लाइव नहीं दिखाया है, हेलो वर्षा जी, देखिए ये जनरली अभी मैं नहीं दिखाना चाहती थी, ये पीस मेरा बन रहा है नवरात्रा के लिए, ठीक है, ये देखिए ये दुर्गा जी का फेस है, अभी इसमें बहुत सारा काम हम कंप्लीट है, इसमें अभी लेयरिंग उठाना ही बाकी है, ये रिलीफ का काम है, तो अभी इसमें मैंने कुछ वैसे सोचा नहीं है कि मैं इसमें गोल्ड फॉइल लगाऊंगी, गोल्ड कलर करूंगी, या फिर 3D करूंगी, क्या करूंगी अभी कुछ नहीं है, बस अभी ये बन रहा है, क्योंकि बनते बनते ही आइडियाज़ आते जाते हैं और वो काम हो जाता है, इसलिए ये पीस देखिए, ये पीस अभी अधूरा है, इसकी अभी लेयरिंग और उठना बाकी है, फिर इसमें काम होगा, फेस बनेगा, और इसमें यहाँ पर भी मैं पूरे आपको कुंदन लगाऊंगी, यहाँ पर ये डिसाइडेड है कि यहाँ पर मैं पूरे कुंदन लगाऊंगी और बिल्कुल शाइन करेगा ये, आप जब भी लाइट में रखोगे तो ये बिल्कुल शाइन करेगा, तो मैंने आपको आज ये वाला पीस भी दिखा दिया है, ओके, कि ये वाला पीस भी बन रहा है मेरा, तो आज मेरे सारे आई होप सारे हो चुके हैं, और एक गणेश जी बचे हैं, मैं आपको गणेश जी भी दिखाती हूँ, ठीक है, वो भी 3D है, 1 मिनट, थोड़े से हेवी है हमारे गणेश जी, ठीक है, चलिए देखिए, एक ये वाला पीस है जिसको मैंने 8 जोन पर पूरा बनाना सिखाया है, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से, ठीक है, लास्ट से पूरा फिनिशिंग तक, देखिए इसमें शाइनिंग है ना, शाइनिंग, ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसमें क्या किया है, ये सब कुछ पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ, ठीक है, ये वाला पीस मैंने अपने 8 जोन पर शेयर किया हुआ है, और अपने यूट्यूब चैनल, वहाँ पे 8 जोन नाम से ही है मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ पर भी ये पीस मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप 8 जोन पेज पर भी देख सकते हैं, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, है ना, 8 जोन पेज के जो भी वीडियो हैं आप लोग शेयर कर दीजिए, ये वाला पीस भी, ये हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग है, आप यहाँ पर नोप लगाकर इसको हैंग कर सकते हैं, और या तो फिर आप इसको हैंग करने के बाद में यहाँ पर की होल्डर से की आती है, ठीक है, तो वो कीज यहाँ पर लगा दीजिए, लॉक आते हैं ऐसे, ऐसे टाइप के हुक आते हैं, वो आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो इसको एज अ बॉल हैंगिंग प्लस की होल्डर भी बना सकते हैं, ये चीज़ मैंने अपने 8 जोन पेज पर जब इसको लाइव आई थी और बताया था, पूरा बनाना भी बताया था, कलरिंग भी बताई थी, ठीक है, तो वहाँ पर ये बताया हुआ है, और एक ये मेरा ऑर्डर पीस है जिसको मैं कलरिंग कर
पे साथ लेकर आई थी आप लोगों के पास सामने, ये ऑर्डर पीस है, बट अभी ये सूखा नहीं है। कहीं कहीं जो वाइट होता है ना वाइट कलर, वो बहुत धीरे सूखता है ऑयल कलर, तो ये वाला अभी सूखा नहीं है। जैसे ये यहाँ पर वाइट है ना यहाँ पर, तो ये सूखा नहीं है। जब सूख जाएगा उसके बाद इसमें फिनिशिंग का काम होगा, और इसमें जो प्रोटेक्ट होती है कि हम पेंटिंग को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वार्निश जो होती है वो लगाती हूँ। उसके बाद में फिर इसमें फ्रेमिंग होके फिर ये जाएगा। तो अभी इसको जाने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए अभी ये पीस सूख रहा है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, और ये है हमारे गणेश जी, ये देखिए, ये है मेरे गणेश जी। ओके, ये 3D में है, ये देखिए बिल्कुल 3D है। ये इनकी सूंड वगैरह, ये सूंड भी देखिए आधा इंच उठी हुई है। ये देखिए ये पूरा 3D में है जी। यहाँ पर भी मैंने सारी पेंटिंग में स्पेस छोड़ी है फ्रेमिंग की, आप बस फ्रेम करवा लीजिए, बाकी ऊपर कुछ भी मत करवाइए, है ना। ना कांच लगवाइए, ना प्लास्टिक लगवाइए, कुछ भी नहीं लगेगा। बस आप इसको ऐसे ही हैंगिंग कर दीजिए, कुछ नहीं होगा इस पेंटिंग को, है ना, कुछ भी नहीं होगा इसे। ये ऐसी के ऐसी रहेगी। और अगर मान लो जैसे यहाँ पे ये 3D है और यहाँ पर डस्ट हो जाती है इकट्ठे, तो उसको कैसे साफ करना है कैसे नहीं, आप बस कपड़े से, मां नॉर्मली कपड़े से भी पोंछ दोगे ना, तो पेंटिंग आपकी वैसी की वैसी रहेगी जैसे आपने इसको बनाकर हैंग किया है। ठीक है, तो ये है मेरे गणेश जी 3D में है। और एक पीस मेरा ऑर्डर पीस था, जिसको आपने, आप लोग जब मेरे आर्ट जोन पेज पर जाओगे और वहाँ पर DP देखोगे, तो DP में दो स्वान और लोटस का एक पेंटिंग बनी हुई है, तो जो 2x4 की बनी हुई है, तो वो मेरा ऑर्डर वर्क था, तो वो तो बन के सेल हो चुका है, तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी, आपको वहीं जाकर देखना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पीस हैं। तो आप लोगों को जो भी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आप लोगों को काम कैसा लगा, और बिल्कुल कमेंट करके आप बताइए आपको जिस भी पेंटिंग सीखनी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ, सोचा आप लोगों से थोड़ा सा सामने आना चाहिए आप लोगों के, और बात करना चाहिए आप लोगों के, आप लोगों से। आज तक मैंने अपना काम ही केवल दिखाया है और आप लोगों ने मेरी केवल आवाज़ ही सुनी है, आज मुझे भी देख लिया है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग बिल्कुल सेफ जगह आओगे, अगर कोई भी काम सीखने आओगे कोई भी फ्रॉड नहीं है। ठीक है, और मटेरियल की भी कोई टेंशन नहीं है, मटेरियल भी आप इजीली आप तक पहुंच जाएगा। मैं मटेरियल सेंड नहीं करती हूँ, बट हाँ जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें जिस सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो सामान की मैं किट बनाकर उन्हें सेंड करवा देती हूँ अपने डीलर से। ठीक है, जिनसे मैं सामान खरीदती हूँ। मैं ये सभी चीज़ अपने हर वीडियो में हर टाइम बोलती हूँ कि आप लोग मटेरियल की टेंशन ना लो। अगर जैसे मान लो ये वाला पीस है हमारा, ओके, जैसे ये हमारा श्रीनाथ जी का पीस है, ठीक है, ये पीस, इसका प्लाई आपको खरीदना है, ओके, बट इसमें जो मटेरियल लगेगा, ओके, जैसे मार्बल डस्ट है या और जो से डस्ट बना के मैं अपनी क्ले बनाती हूँ, ठीक है, तो जो भी चीज़ें इसमें लगेगी उसकी पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। उस लिस्ट में से जो मटेरियल आप लोगों के पास है एट द टाइम, ठीक है, वो मटेरियल आप उसमें से हटा कर, ठीक है, एक नई अपनी लिस्ट बना के मुझे सेंड कर दो कि मैम हमें केवल ये सामान चाहिए, तो मैं वो लिस्ट अपने डीलर को देके आप लोगों के पास इजीली सामान आ जाएगा। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये अगर पीस सीखना है तो इसका पूरा मटेरियल मुझसे खरीदना होगा तभी ये पीस सिखाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पास अगर मटेरियल अवेलेबल है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ओके, मेरी जितनी क्लासेस हैं सारी विदाउट मटेरियल हैं, और मटेरियल आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपको मटेरियल कहाँ से खरीदना है। ठीक है, मैं उनका सब कुछ शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, उनके नंबर वगैरह कहाँ रहते हैं। ठीक है,
तो आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोगों के पास मटेरियल इजीली पहुंच जाएगा सभी चीज़ों का। मैं थोड़े दिनों के बाद तंजोर भी लेकर आने वाली हूँ, अभी वो पेंटिंग में मेरी अभी स्टार्ट हो रही है बनना, आपका बनाऊंगी मैं उसको, उसके बाद मैं आप लोगों के पास एक तंजोर का नया पीस लेकर आऊंगी और एक 3D में नई चीज़ लेकर आऊंगी, ठीक है। तंजोर भी मैं लेकर आ रही हूँ कुछ टाइम के बाद में, ओके। अभी आप लोगों को ये क्लासेस सीखनी है 3D, क्योंकि तंजोर इन सबसे डिफरेंट है। तंजोर अपनी जगह है, 3D अपनी जगह है, और रिलीफ का काम अपनी जगह है। तीनों वर्क अपने अपनी अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी क्लास ज्वाइन करनी है आप बिंदास कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम जाते हैं, बाय बाय आप लोग, ओके। वेलकम अनीता जी। अनीता जी, मैं भोपाल से हूँ, ठीक है। नीमा जी, नैना जी, मैं भोपाल से हूँ, ओके। हाँ, और आप लोग जो भी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फिर बता रही हूँ, आप जो भी मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें, एक बार ज़रूर बता दीजिए आप लोग कहाँ से हो और आप लोगों को कौन सा आर्ट सीखना है, ठीक है। अपना नाम ज़रूर बता दीजिए और आप लोग कहाँ से हो, ठीक है। क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत हो रहा है, तो उसी चीज़ को लेकर ना आपके साथ हो ना मेरे साथ हो, इसलिए मैं बता देती हूँ। मेरा पेज है आर्ट जोन, और मैं नंदिनी सोलंकी, और मैं भोपाल से हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। फीस आपको मैं, अनीता जी, मैं आपको फीस व्हाट्सएप पर ही बता पाऊँगी सारी आर्ट की, ठीक है। मैं ऐसे लाइव कभी भी कोई से आर्ट की फीस नहीं बताई है मैंने। और हाँ, ये है कि जो शुरू से चलता आ रहा है वही फीस लास्ट तक होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ये चीज़ निकाली है ऑफ़र में तो मैंने 2,000 की निकाली है, उसके बाद में ऑफ़र ख़त्म करके मैं इसको 3,000 की कर दूँ, ऐसा नहीं है। अगर वो चीज़ ऑफ़र में निकाली है, कम में है, तो वो लास्ट तक कम में ही चलेगी। जैसे मेरी लक्ष्मी जी और राधा कृष्ण की जो क्लास है वो बहुत कम में, लॉकडाउन के टाइम पे ऑफ़र में निकाली थी, उनकी बहुत रिजनेबल प्राइस है और वो कम ही है, ठीक है। तो आपको जिसकी भी फीस जाननी हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए विद आपका नाम और आपका प्लेस कि आप कहाँ से हो, ठीक है, ओके। बाय बाय, थैंक यू, शेयर कर दीजिए वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।